मुंह चुप चुप नहीं रहता है। कौन है लड़की जिसके साथ आप करके वीडियो बनाए कुकुर वाला? ऐसी गिटार मिला कहीं रोड में? खरीदे नया। कितना में? 13,000 में? 13,000 हमको दे देती ना अभी, तो हम गाड़ी की सर्विस एक बार थोड़ा सा करा लेते कुछ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूसुम। तो लियो के फैमिली कैसे कमेंट करके जरूर बताना। और यार मैं मॉर्निंग पे ब्लॉग किया था बनाने, और अभी आज मेरे को बहुत ज़्यादा ब्लॉग बनाने का मन कर रहा था, तो मैं अपने बाइक उठाया और निकल पड़ा कहीं ब्लॉग बनाने अनजात। बहुत ज़्यादा बाइक गंदा है, तो मैं क्यों ना सोचा कि बाइक भी वॉश करवा लेता हूँ। तो देखो यार, होली के बाद एकदम बाइक निकाले भी नहीं है और कितना ज़्यादा गंदा है बाइक, तो अभी जाके इसको वॉश करवाते हैं। और वहाँ पे वॉश करवाना मेरा इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि यार ना वहाँ पे जो वॉश करवाते हैं ना, तो मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ मैं बाइक वॉश कराया यार। अदरवाइज़ मैं और कहीं पे करवाता हूँ ना, तो वो वाले खुशी नहीं मिलता है जो खुशी यहाँ पे वॉश करा के मिलता है, क्योंकि ना बहुत मतलब कम प्राइस में एंड बहुत कुछ होता है। जैसे कि आप लोग जानते हो, ल्यूब करवाना बहुत ज़रूरी है बाइक को, तो ल्यूब पॉलिश क्लीन सारा कुछ भाई हो जाता है, और ज़्यादा प्राइस भी नहीं है। बाइक का हैंडल भी लूज गया बाबू। हमको देख रहा चक्कर में भाई, अपनी मम्मी को लेके साइड चला जा रहा है। लॉर्ड सब लव भाई। अभी चल के वॉश करवाते हैं, उसके बाद फिर रात को चलेंगे ब्लॉग बनाने। एंड आज मैं 4-5 ब्लॉग बना ले रहा हूँ यार। बहुत कोई वो लगता है ना यार कि मैं पागल हो चुका हूँ एंड वीडियोज वगैरह बनाते रहता हूँ, दो कैमरा लगा लेता हूँ, एक सामने एक फेस पे भाई। तो हाँ ठीक है, मैं पागल ही हूँ भाई। आप लोगों को अगर मैं पागल भी लग रहा तो वो पागल बनना मेरे को बहुत ज़रूरी है, ताकि आप लोगों को मैं ऐसे पागल दिखते रहो। हैंडल भी लूज़ हो गया भाई मेरे को, जब भी हल्का कहीं सम करता है ना तो सामने से कट-कट सा आवाज़ आता है, तो वो मेरे को ठीक नहीं लगता भाई। कट 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 क्या ही ज़्यादा आवाज़ कर रहा। क्या ही ज़्यादा रिएक्शन मिल रहा, कितना ज़्यादा कीचड़ है भाई भाई भाई। बट अभी भाई गंदा भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ना मैं वॉश ही कराने जा रहा हूँ भाई। एंड भाई पता नहीं भाई पीछे से कौन कौन चिल्लाता है, मेरे को सुनाई भी नहीं देता भाई इसका। एक तो भाई पूरा ग्लास व्लास लगा रहता है हेलमेट का, ऊपर से इसका आवाज़ अलग ही गूंजता है। तो अगर भाई मेरे को पीछे से कोई चिल्लाते हो तो भाई अगर मैं नहीं सुन पाया तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि ना मैं इग्नोर नहीं करता, मेरे को सुनाई नहीं देता पीछे से कुछ। रेलवे फाटक है भाई, यहाँ पे हमेशा ना रेल गेट लगा ही रहता है। आज देखता हूँ मेरे नसीब में क्या है। और भाई आजकल मैं ना पूरा ज़्यादा ब्लॉग बनाने लगा, क्योंकि ना मेरे को ब्लॉग बनाने में इतना ज़्यादा मज़ा आने लगा ना, क्योंकि यार ना आप जब कंटिन्यू रहोगे तो आपको बनाने का मन करेगा, और अगर छोड़ दोगे ना तो आपको लगेगा चलो कल बनाएंगे, परसों बनाएंगे, उसके बाद वाले दिन बनाएंगे, ऐसे करते करते दिन बीत जाता है, जो चीज़ सही बात नहीं है यार। अगर आपको करना है तो भाई एकदम शिद्दत से करो, अदरवाइज़ मैं तो भाई यही बोलूँगा कि मत करो, क्योंकि ना इसमें पेशेंस रखना पड़ता है। बहुत लोगों को लगता है ना कि चाह 10-15 ब्लॉग बनाए उसमें वायरल हो जाएंगे, अरे भाई वायरल होना रहता ना तो मैं भाई इतना दिन से मेहनत नहीं करता। एक ले लिया हूँ क्योंकि यार ना मेरे को G900 का बहुत ज़्यादा शौक था, इसलिए मैं इसको लिया हूँ। अदरवाइज़ मैं RR310 पे बहुत ज़्यादा वीडियो बनाता था एंड वो बाइक को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। बट हाँ एक दिन ना एक दिन अपने पास आएगा। और आप लोग को पता है कि भाई मिडिल क्लास फैमिली का कंडीशन कैसा रहता है एंड क्या रहता है, तो भाई ये मेरे को बोलना नहीं होगा, तो बस वही बात है। अरे बाप रे बाप, क्या चलो ठीक है। चलो ठीक है, बढ़िया तुम ठीक है तो आ रहे ना, चलो भाई। भाई सारा बच्चों को चाहिए रैप, एंड पता नहीं इसका साउंड से क्या ही प्यार है। एंड भाई बच्चों को नहीं बड़ों को भी इसके साउंड से बहुत ज़्यादा प्यार है। एंड भाई मेरे को तो बहुत ज़्यादा प्यार है, तभी तो मैं G900 लिया था, क्योंकि सच्ची बताऊँ तो यार ये अफोर्डेबल प्राइस में अफोर्डेबल बाइक भी आ जाती है, जैसे कि आप सर्विस वगैरह है ना उतना ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है। का फ्यूल रेंज
भाई मैं 50 का फ्यूल रेंज दिखा रहा है, तो बाइक को वॉश करवाने का बाद मैं फ्यूल डलवाऊंगा 200 का। 200 का क्यों? क्योंकि यार ना मेरे को माइलेज टेस्ट का भी वीडियो बनाना है। यार सोच लिया हूँ कि 3 ब्लॉग बनाना है भाई, कैसे क्या कर रहा है मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एंड सारा कोई कोना इतना जल्दी जल्दी रहता है, पता नहीं यार जल्दी जाके कहाँ जाना रहता है। दुकान बंद ना हो जाए कहीं वॉशिंग सेंटर भाई। एंड ये कितना बड़ा जर्क बना दिया भाई। भाई भाई पीछे देखा करो भाई, उठा के फेंक मत देना। और मैं आ चुका हूँ प्रो क्लीन, और अभी मैं इसको लगाऊंगा डबल स्टैंड में, और भाई बहुत तगड़ा टाइप से वॉश होगा। एंड वॉश कराने का यहाँ रीजन यही है कि भाई मेरे को यहाँ पे ना वॉश करा के बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, इसलिए मैं उतना दूर से आता हूँ यहाँ वॉश कराने। एंड वॉशिंग सेंटर उधर भी है बट मैं यहाँ पे आता हूँ वॉश कराने। चूड़ा लेके अभी सो के उठे इसीलिए बाइक को वॉश। अभी मैं आया हूँ प्रो क्लीन में जो केंद्र में, तो अभी भाई बाइक को वॉश कराना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, बाइक गंदा होने के बाद बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है, तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा गंदा हो गया। एंड ये देखो यार अभी तक रंग वंग नहीं हटा इसका, इधर रंग वंग इतना लगा हुआ है, देख रहे हो हर एक जगह रंग ही रंग हो गया। एंड होली के बाद ये वॉश नहीं हुआ है, तो भाई मैं आ गया वॉश करवाने अपने बाइक को। एंड देख सकते हो क्या हाल है, अभी पूरा ज़्यादा गंदा हो गया। ये सब देखो यार, I didn't know that it'd be so hard, yeah, for me to relax, finding my purpose. I don't know what makes me happy, don't know what makes me sad. I sit around and ponder emotions. Bike ho gaya boss. भाई क्या ही लग रहा कि बारिश वारिश होगा। एंड भाई देखो आया था मैं कब, अब भाई इस पर मस्त कल रील बनाएंगे मस्त मस्त, क्योंकि यार ना बाइक गंदा रहने के बाद यार रील्स वील्स मतलब मज़ा नहीं आता है, क्वालिटी नहीं दे पाता हूँ। तो अब यार इसको वॉश कराया हूँ एंड कल जाऊँगा फिर ब्लॉग बनाने मॉर्निंग में। बाइक क्लीन होने के बाद देखो यार रात को कितना ज़्यादा भी चमक रहा है, एंड भाई लाइट हल्का सा पड़ने से कितना ज़्यादा चमक रहा, इसलिए यार बाइक को क्लीन रखो एंड अपने आप भी क्लीन रहो। वॉश होने के बाद क्या ही ज़्यादा क्लीन लग रहा है, एंड चलाने में भी अलग फील आता है भाई, ये बात तो सही है। देखो यार ये कितना ज़्यादा लूज़ हो गया, एंड मेरे को ये ग्रिप भी मंगवाना होगा दोनों साइड का, एंड दोनों साइड का ग्रिप ढीला हो गया। बोल क्या बोली? बोल खराब मुंह देके बता। बोलो इतना कितना बाप रे। दिखाइए मेरे को, कौन कौन दिखाइए, है कोई सब बता दे। हाँ। भाभी दिखाइए, दिखाइए। इसका मुंह कितना खराब लग रहा है ना, पूरा गंदा लग रहा है। देखो इतलाव से पकड़ के लाई है मछली, अब ये भूज भूज के खा लेती है। अब भूज देखिए 2 दिन बाद ये कलर गायब हो जाएगा, दूसरा कलर का आ जाएगा। ना हम नहीं खाते। ओ, आ गया, ओ माय गॉड, कौन है? हां शी, कौन है मेरे को दिखाइए, कौन है? आप किसे मिलने आए थे पहले मेरे को ये बताइए। सब कुछ बताना नहीं चाहिए? यस yes, मेरे को जानना है, आई वांट टू नो। ना अभी देख लीजिए, गलत बात है, दूसरे लड़के से मिलने आते हैं आप तो। अगर आप मेरा गाइस से भूखो, इतना भकर भकर काहे करते हो, चुप चुप नहीं रहता है, इसको फ्रंट में रखेंगे। सेम मिल रहा ना मुँह? इसका ऐसा एकदम सेम ना, दांत जैसे इसका निकला हुआ ऐसे इसका ना ना इसको बोलते लड़की। वाओ ब्यूटीफुल, अपना मुंह पे कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे को, बहुत ज्यादा मैं तो पूरी जिसके साथ आता हूं कर म्यूजिक ये वीडियो बनाए कुकुल वाला ऐसे ऐसे करके वो तो तुम्हारा साथ बनाते टिकटॉक वीडियो, हम तो टिकटॉकर कोई और लड़की थी उधर की, कोई है न्यू लड़की, कौन है? हाँ भाभी देख लीजिए,
सावधान रहे, सतर्क रहे। सतर्क के साथ अकाउंट में पैसा भेजते रहे। आई एम सॉरी बाबू। कितने गंदे ए बताए ना लोग कौन है। कुकू जैसा मुंह, हम बोले हम सच धस के आ रहे मेकअप करके, उसके बाद मेरा वीडियो बने। पहले अच्छा है, बताइए ना, अच्छा गाते हैं हम कहने भैया। पूरा अच्छा है, नेहा कक्कड़ जैसा। हम मजाक नहीं कर, नहीं नेहा कक्कड़ जैसा मेरे को नहीं गाना है। मेरे को श्रेया घोषाल के जैसा गाना है। मुंह है अलमारी कैसा गाना है बता इस पे। श्रेया घोषाल के जैसा। हाँ मुंह है वैसा। ऑफ कोर्स देख नहीं सकती, तो सुंदर है। तीन घंटा का तो दरवाजा लगा हुआ सामने। कितने गंदे है, कहाँ दरवाजा आपको दिख रहा है, इतना सुंदर है। लड़की लोग के लिए एक नंबर घटिया है मेरा। एक को अच्छा रियल मुंह नहीं दिखाता था। मेरे को ओप्पो चाहिए, हमें नहीं चाहिए 1 लाख का फोन ले जाओ। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। मेरे को कवर ला दे जाए। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। आप कार मेरा कुकू जैसा वीडियो बना रहे हैं। बढ़िया गाती हो। अच्छा गाते हैं, हम आपको भी गाना गाएंगे तब आप रिकॉर्ड कीजिए। ठीक है, देखो बताओ कौन सा गाना गाए, कौन सा गाना सुनना है आपको। गरीब खर्चा कर रही है आज। वैसे बोलेंगे हाँ, एक दिन हमको ब्रेड चॉप ला के दी थी, 4 ब्रेड चॉप दी और 5 खा ली, मेरा से भी खा, एक्स्ट्रा लेके खा ली। ये फंस गया सी है। ऐसा कुछ नहीं है, हम सारा आप ही खा जा करेंगे। ऐसा ना, मेरा गिटार अभी मेरे को आता नहीं, मेरा बेइज्जती हो जाएगा। कहाँ से ली गिटार, मिला कहीं रोड में? खरीदे है नया। कितना में? 13,000। 13,000 में? Yes. 13,000 हमको देती ना अभी, तो हम गाड़ी की सर्विस एक बार थोड़ा सा करा लेते कुछ। देखिए गाइस, खराब मुंह कितना खातिरदारी कर रही है, क्या क्या खिला रही है। दही बड़ा है इधर, सिंगर भी बन रही, पता नहीं कब से सिंगिंग करने लगी है। अच्छा खाते हैं, देखते हो, देखा जाएगा बाद में, अब कब तक इस सीखेगी देखते हैं। मार्केट में आऊंगी, दिखेगा वहाँ रोड में बैठे रहेगी कटोरा लेके मार्केट में, बीच बीच में पर मेरा नहीं है, मेरा तो मेरा पॉकेट में है। अभी आप कहाँ जाएंगे? और जाएंगे दोस्त का घर। अब चले दोस्त का घर, कल मिलते हैं, इधर ही से आएंगे, क्रॉस करेंगे तो बोलेंगे सुबह। बाय। उस गली में कभी तेरा जहाँ, यार एक्चुअली इधर बहुत ज़्यादा धूल उड़ता है यार, बहुत ज़्यादा धूल, देखो धूल ही धूल। उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, यार बार बार ना इधर इधर कितना ज़्यादा कीचड़ होता है ना, कि क्या ही बोलो, बाइक वॉश करके भी कोई फ़ायदा नहीं होता यार, इधर बहुत ज़्यादा कीचड़ होता है देखो।